सरोकार। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद सुलझा, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किए गए एएमयू पर हस्ताक्षर। नरोदा गांव दंगे केस में विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी। उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, परिवार और बच्चों से मिलने वालों की हो रही तलाशी। लखनऊ में बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे आए 165 नए केस, 128 संक्रमित हुए स्वस्थ। कप्तान कोहली के बाद सिराज ने बरपाया कहर, मोहाली में आरसीबी ने पंजाब को 24 रन से हराया। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो लखनऊ में अलविदा की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने संवाद स्थापित किया। बता दें कि प्रदेश में कुल 29,000 से ज्यादा मस्जिदों में अलविदा की नमाज होनी है। वही 849 जोन और 2460 सेक्टर में पुलिस तैनात रहेगी। मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएचसी बल की तैनाती रहेगी। इस प्रबंध का प्रश्न है, लखनऊ पुलिस द्वारा इस संबंध में काफी विस्तृत प्रबंध आदेश निर्गत किए गए हैं। फोर्स जो है सभी संवेदनशीलता के आधार पर और मांग के आधार पर सभी जोनों को आवंटित किया गया है। लगभग 16 कंपनी पीएसी जो है पिछले बार से भी काफी अधिक है, वो सभी जोन को आवंटित की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा 400 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक आवंटित किए गए हैं, जिन्हें भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी व 300 आरक्षी, ये भी हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं। ये भी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रेस वार्ता के दौरान दूसरी सूची में 94 सभासद प्रत्याशी, नगर पंचायत अध्यक्ष के 42 प्रत्याशी की सूची जारी की गई है, जिसके बाद भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रताप प्रजापति ने मीडिया से पत्रकार वार्ता की है और इस दौरान कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया कि वो सबसे धोखेबाज नेता है। वही महेश चंद्रा ने कहा कि अखिलेश यादव कभी ओबीसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। भागीदारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रयागराज सुनील प्रजापति जी बैठे हुए हैं, मंडल उपाध्यक्ष श्रीकांत जी बैठे हुए हैं, पार्टी के नेता पंकज जायसवाल जी बैठे हुए हैं, पवन जी बैठे हुए, इधर ललित प्रजापति जी बैठे हुए हैं। तमाम भागीदारी पार्टी के नेता यहाँ जगह बैठे हुए हैं। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी और भागीदारी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा श्रावस्ती में परिषदीय स्कूलों के खुलने बंद होने के समय में बदलाव हुआ है। बता दें कि गर्मी और लू के चलते डीएम ने निर्देश जारी किए हैं और आज से सभी सरकारी और सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगे। वही डीएम ने कहा कि शिक्षक भी निर्धारित समय तक विद्यालय में कार्य करेंगे, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी सभी स्कूल प्रबंधकों को निर्धारित समय से विद्यालय संचालित करने के आदेश दिए हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने पिता और दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि हत्यारा जमीन बेचने के बाद मिली रकम के बंटवारे की मांग कर रहा था। वही डबल मर्डर के बाद से आरोपी बेटा फरार है। फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई है। और पुती बहू ने मारा, इन्हें तीनों ने मारा, मार के फरार हो गए। क्यों मारा, क्या वजह क्या थी? वजह थी कि जो एक खेत को कह रहे थे मेरे नाम करा दो, नाम करा दो, नाम वो बोली मैं जीत पे नाम नहीं कराएंगे।
और जो पहले खेत बेचा उसको कर्जा निपटा दिया भैया ने, और थोड़ा वो तो अम्मा के नाम पे पैसा होगा वो मांग रहा होगा। मेरी माँ तो मेरे घर पे रहती थी, बेटा मेरे भाई ने बुलाया, मेरी माँ आने को थी, मेरी माँ को आने नहीं। करीब 7 बजे के आसपास की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जिसका नाम भागमती है और उनका बेटा श्यामपाल जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास, ये दोनों मृत अवस्था में है घर पर। तत्काल यहाँ से पुलिस मौके पहुँची, सभी अधिकारी मौके पहुँचे, वहाँ जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई हरदोई में पुलिस ने 2 शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र और उपकरण बनाने का सामान बरामद किया है। वहीं एसपी ने बताया कि आगामी 2 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर एएसपी पश्चिमी के निर्देश पर छापेमारी का अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के सामान बरामद किए हैं। वही एसपी ने मंझीला पुलिस को 10,000 और लोनार पुलिस को 5,000 रुपए का इनाम देकर पुरस्कृत भी किया है। किए जाने की आशंका के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने वाले व्यक्तियों की तलाश में लगाया गया था, जिसमें कि आज ये अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में और सीओ हरपालपुर, सीओ शाहबाद के सुपरविजन में भारी सफलता मिली है पुलिस को, हरदोई पुलिस को। इसमें हमने थाना लोनार और थाना मझिला से 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। मझिला से पकड़े गए हैं वसीम और मशरूर, और विकास थाना लोनार से पकड़ा गया है। इनके पास से 6 रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार, अलविदा तथा ईद की नमाज के मद्देनजर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से डीएम दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने अपर जिलाधिकारी अनिरुद्ध सिंह प्रताप के साथ शहर की मरकजी ईदगाह और ईदगाह दरगाह शरीफ क्षेत्र का भ्रमण किया है। साथ ही गुल्लावीर क्षेत्र में जल भराव की समस्या का तत्काल समाधान कराए जाने का नगर पालिका प्रशासन को दिशा निर्देश भी दिया गया है। की पूरी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही ये आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको समुचित रूप से मुहैया कराने के लिए शांति समिति की बैठक में जो मुतवल्ली साहब से और धर्म गुरुओं से संवाद हुआ था, उसी क्रम में हम लोगों ने व्यवस्था देने का प्रयास किया है। और इन सबसे ऊपर जहाँ ईदगाह है उसका मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा जी के द्वारा पूरी टीम के साथ भ्रमण किया गया है। और मैं आपको आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जनपद बहराइच की सभी ईदगाहों की बहुत अच्छे ढंग से सफाई। नजारा दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां ईद के त्योहार में हर कोई अपनी घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, लेकिन आलम यह है कि बस कम है और उस पर भी बस वालों ने आपदा में अवसर तलाश किया है। दरअसल यहां से रामपुर, बदायूं, चंदौली, बरेली, मुरादाबाद जैसे जगहों के लिए यात्री जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों का कहना है कि एक तो रमजान का महीना, ऊपर से गर्मी और शाम को इफ्तारी करनी होती है। इसके साथ ही बस वाले जो रामपुर होते हुए बरेली जाएंगे वो सिर्फ बरेली की सवारी ही बिठा रहे हैं, जिससे उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। 2 घंटे हो गए गर्मी में रोज़ से। रामपुर वालों को थोड़ा रुक के बैठा लेंगे, पहले बरेली सवारी बैठा लें पहले। ऐसा क्यों? मालूम नहीं, उनसे मालूम करो ना। इनकी टिकट जो है पहले इनकम अच्छी हो जाएगी बरेली की, रामपुर का जो कम पैसों का टिकट है। अच्छा। तो पहले बरेली वालों को बैठा लेंगे, रामपुर वाले जहाँ खड़े होकर जाओ फिर वो पैसे बच जाएंगे। वो लिख नहीं रहा सामने, देखो बरेली रामपुर जाएगा तो रामपुर हो गई बरेली वाला, अलग को ले जाओ कहीं पे। अपने सभी डिपोज से जो 8 डिपोज हैं उन सबको निर्देशित कर दिया गया है, बराबर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और जैसे भीड़ जिन स्थानों की होती है वैसे डालते हैं, गाड़ियाँ उपलब्ध होती हैं और यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुगमता से पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, चंदौसी, धामपुर आदि जगहों के यात्री जो है। अमरोहा में डीएम वीके त्रिपाठी से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी परवेज अली ने शुक्रवार को होने वाली अलविदा जुमे की नमाज के चलते शुक्रवार को अवकाश घोषित करने की मांग की है। परवेज अली ने कहा है कि ईद
परसों हो सकती है, इसलिए त्योहार पर सभी लोगों को पूर्ण समय मिल सके, जिसके लिए कल यानी शुक्रवार को अलविदा जुमे का अवकाश जिले में घोषित होना चाहिए। खाते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी खुशियों को बांटते हैं ऐसे इस त्योहार पर, ऐसे पाक त्योहार पर जिसमें पहले भी जनपद स्तरीय छुट्टियां होती आई हैं, जुमा अलविदा की छुट्टी होती आई है। तो हमारे नेता महबूब अली साहब ने अमरोहा के जिलाधिकारी बी के त्रिपाठी साहब को ये गुजारिश करी है कि विगत कई वर्षों की तरह। खबर बुलंदशहर से है, जहां आपराधिक वारदातों से अर्जित धन से सृजित करीब 12 लाख की संपत्ति कुर्क करके गैंगस्टर फिरोज पर 14A के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर फिरोज को शातिर किस्म का गौकश बताया जा रहा है, जिस पर करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज है। बता दें कि फिरोज बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र के मलकपुर का रहने वाला है। मलकपुर, इसके ऊपर 16 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत थे। ये इसमें पशु क्रूरता और गौवध अधिनियम के मुकदमे भी इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था, जिसमें प्रभावी कार्रवाई करके हमारे द्वारा 14A की कार्रवाई की गई है और इसके प्लॉट को और उस पर बने मकान को कुर्क कर दिया गया है। और इसी संबंध में हमारे द्वारा और भी प्रयास किए जा रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादों में घिरा हुआ बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य ने ठीक किया है, अच्छा किया है। अगर वो कानूनी सहायता मुहैया करवाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और मेरे शिष्य है, मुझे उनका समर्थन करना है। क्राउड फंडिंग में मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं भी मदद मांग लूंगा। वो केवल अरविंद अकेला नहीं है, अब अरविंद अकेला का अंतिम संस्कार करके उन्होंने संन्यास ले लिया है और उन्होंने जो किया अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ठीक समझ के किया होगा। अतीक के मारने वालों को अगर वो कानूनी सहायता मुहैया करवाना चाहते हैं तो अगर वो मुझसे भी कुछ कहेंगे तो मैं भी उनको दूंगा। बाकी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो अगर उनकी मदद करना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई को आप पहले तो किस तरीके से देखते हैं और कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपकी समर्थन में उतरे हुए हैं? देखिए, मेरे शिष्य हैं, मैं अपने शिष्य का समर्थन क्यों नहीं करूँगा? आप मुझे बताइए ना, मैं अपने शिष्य का समर्थन क्यों नहीं करूँगा? मैं इस हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।